हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल शेयर से रिलेटेड। अगर कल की बात करें तो कल की डेट में देखिए एक 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 वीडियो बनाया था स्टॉक फटाफट, ऐसे ही कुछ एक सिमिलर वीडियो होगा। और अगर बात करें उसमें अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। और कुछ कल के स्टॉक जो मैंने आपको बताए थे खरीदिए खरीदिए, काफ़ी दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आज के दिन में 4-4, 5-5 और बात करें 10-10% के रिटर्न दे चुका है विद इन, अगर बात करें एक सप्ते के अंदर अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स में जल्दी हमें पता करके इन्वेस्ट करना चाहिए विदाउट फियर, तब आपको गेन मिलेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव भी कर पाओगे और अच्छे गेन भी मिल पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में दो वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, एक कंपनी जो डेट फ्री है, डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड दिया 275 रुपीज़ का, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर कुछ कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट है और एक रिजल्ट से रिलेटेड आज वीडियो दोबारा आने वाली है। तो अगर बात करें हम यहाँ पर वीडियो की, तो आइए वीडियो में चलते हैं। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो सबके साथ पहुँच सके और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करें। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर आज के दिन, देखिए यहाँ पर कोविड का ग्राफ, कुछ ग्राफ नीचे जाते हुए और कुछ ग्राफ ऊपर ऊपर जाते हुए अच्छे लगते हैं। अगर बात करें कोविड का ग्राफ जितना नीचे जाएगा उतना वो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, और अगर मार्केट की बात करें ये नीचे जा रहा है और मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर की तरफ जाता है ना मार्केट तो वो अच्छा लगता है। और निफ्टी आज की डेट में देखें तो अच्छा खासा अच्छा गेन दिया है पोर्टफोलियो, आई थिंक सबके आज की डेट में और कल की डेट में जब ये भाग रहे थे, दो दिन से कंटिन्यूसली निफ्टी भाग रहा है, तो ये वीक में शायद आपको अच्छा पोर्टफोलियो आपका रहे, हर रंग बिरंगा मतलब हरा भरा आपका पोर्टफोलियो रहेगा आप अगर आपके स्टॉक अच्छे खासे स्टॉक आपने चूज किए होंगे। तो अगर बात करते हैं कल की डेट की, तो कल तो बैंक निफ्टी रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपको भागता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी। अगर बात करें आज के रीज़न, तो आज बैंक निफ्टी के साथ साथ अलग ऐसे स्टॉक्स भागे थे जो कि क्या कहते हैं एडवर्स, मतलब कोविड जैसे ऐसे कम हो रहा है तो उनके लिए वो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वो चीज़ें ओपन होती हुई नज़र आएगी। अगर बात करें उन स्टॉक्स की, तो सबसे पहले पीवीआर स्टॉक भागता हुआ नज़र आया 3.55, मतलब और ज़्यादा भागता हुआ नज़र आया था, बट स्टिल थोड़ी बहुत गिरावट हो गई। बट अगर हम देखते हैं पीवीआर की, तो पीवीआर का अगर जैसे ही कोविड के केसेस कम होंगे पीवीआर का स्टॉक भागता हुआ नज़र आएगा। एज वेल एज अगर बात करें आइनॉक्स की, तो आइनॉक्स का भी आपको भागता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये इनके जो थिएटर बंद है वो थिएटर ओपन होते हुए नज़र आएंगे। बट पीवीआर के भागने के पीछे एक और रीज़न था, तो बल्क डील। अगर हम बात करें यहाँ पर बोफा सिक्योरिटी यूरोप ऐसे, इसने कल आज की डेट अगर कल की डेट की बात करें तो एक बल्क डील में परचेज किया ये शेयर 1170 रुपये के आसपास। ओके, कितने क्वांटिटी अगर बात करें 3,49,108 शेयर यहाँ पर परचेज किए हैं, क्योंकि उन्हें देखिए पीवीआर स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ अगर पीवीआर आईआरसीटीसी आइनॉक्स और बहुत सारे स्टॉक जो अभी आगे बताऊंगा, तो वो स्टॉक मारे हुए जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये स्टॉक इंटरटेनमेंट के नेसेसरी है नहीं, इस वजह से मार्केट में गवर्नमेंट ने इन्हें बंद कर रखा है। अदरवाइज दीज स्टॉक्स आर मल्टी बैगर भी कह सकते हो और कह सकते हो कि अच्छे स्टॉक है, इस रेट पे आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इनके अगेंस्ट में न्यूज है यही। बट अदरवाइज अगर बात करें 2,000 रुपये का ये शेयर कभी हुआ करता था कोविड के पेंडेमिक से पहले। तो यहाँ पर बात करें पीवीआर एज वेल एज अगर बात करें आयोनॉक्स, ये भी 4,000 मतलब अगर बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो अच्छा ही, ये भी 400-450 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चला करता था। तो ये स्टॉक जैसे जैसे कोविड खत्म होगा तो ये स्टॉक आपके रेडार पे होने चाहिए, उस टाइम ये स्टॉक आपको अच्छा खासा गेन देते हुए मिलेंगे। बट अभी थोड़ा सा अभी न्यूज़ जब तक पॉजिटिव नहीं आती तब तक आपको दूर रहना ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जैसे होटल भी आपको पता है होटल के स्टॉक भी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एज वेल एज अगर बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी फूड चेन से रिलेटेड स्टॉक है, अगर बात करें KFC, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ओके ये आपको डोमिनोज, ये सारे बंद होते हुए नजर आते हैं, इन पे भी इफेक्ट पड़ता है। बट जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा तो ये स्टॉक भी भागते हुए नजर आएंगे। और मार्केट कल मतलब 10 दिन पहले के आगे क्या होगा उससे का रिएक्शन आज की डेट में ही देता है, इस बात को हमेशा याद रखना। आगे चलता है मार्केट इसी वजह से यहाँ पर देखते हैं, तो होटल से रिलेटेड जितने स्टॉक्स थे वो भागते हुए नजर आए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फूड चेन से रिलेटेड जैसे कि वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड वगैरह, बर्गर किंग हम देखते हैं, एज वेल एज हम डोमिनोज का जुबिलेंट फूड देखते हैं, तो वो सारे के सारे शेयर यहाँ पर भागते हुए
करना है, बट आपको अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है, ना कि सारे स्टॉक में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बेफालतू के भी इसमें हो सकते हैं, तो आपको देख के आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये एक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टॉक देखिए आज की डेट में अच्छा खासा भागा था, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट अगर बात करते हैं, ये तो मतलब होटल्स वगैरह को फाइनेंस करता है ताकि वो ग्रो कर सके, तो इसका टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसलिए आपके नाम से भी आप देख सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज के पर्पज से मैं आपको ये वीडियो मतलब ये शेयर से रिलेटेड बात करते हुए हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं और आईटी के स्टॉक आज काफ़ी अच्छे भागते हुए नजर आए। अगर हम बात करें, देखिए काफ़ी टाइम से इन्फोसिस, SCL, टैक महिंद्रा 900 से आपको बता रहा हूँ, टैक महिंद्रा भी आपको काफ़ी बार सजेस्ट किया गया है, LTI से रिलेटेड आपको वीडियो बना के बताया गया है, 3400 के आसपास आया था, तब आपको बताया था कि इस शेयर को लो आज की डेट में भागता हुआ, इन्फोएस से रिलेटेड, तो ये सारे स्टॉक से रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट एंड हमने आपको रिकमेंड भी किया है इससे रिलेटेड कि इन शेयर में आप ध्यान दीजिए, ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे। अगर बात करते हैं इन्फोएस आज के दिन में देखिए 5% भागता हुआ नजर आया, और इसकी जर्नी अगर बात करें तो अगर एक महीने का भी चार्ट पैटर्न आपको ले लेता हूं तो यहां पर तक जाता हुआ यह साफ नजर आ रहा है मुझे, इसके रिजल्ट भी आते हुए नजर आएंगे, तो आपको अच्छा खासा यहां पर गेन, बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको सब कुछ शो कर देगा कि ये इस शेयर में कितनी ताकत है। ओके, नेट की वजह से यहां पर अटक रहा है, बट कोई इशू नहीं है, आपको आप सभी को पता है नौकरी शेयर कितना दमदार है। बात करें इंडिया मार्ट 7000 पे मैंने भी लिया था, उसके बाद भी दो दिन गिरा था, और फिर उसके बाद से अगर एक रैली की बात करें तो इस कंपनी ने अच्छी खासी रैली बनाती हुई दिखाई थी और अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आया। आज के दिन में 10% का गेन है, मतलब 10% का प्रॉफिट मेरे को तब से भी होता हुआ नजर आ रहा है, गिरने के बावजूद भी है, तो ऐसे शेयर में आपको रहना है, ऐसे शेयर को आपको पिक करना है जो आपको अच्छा खासा गेन दे सके, और तब जब इनके रिजल्ट सबसे अच्छे आए हो, जब FIs की क्वांटिटी यहाँ पर FIs ने इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा हो, तो इस केस में आपको शेयर पे बिलीव करके आपको जब ये गिरते हैं तभी लेना होता है, भागते हुए यहाँ पर शेयर देखे किसी और ने भी लिया होगा यहाँ पर अटके होंगे, बट स्टिल आपको बेचना नहीं है, आप लॉन्ग टर्म वेट करिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग मार्केट को बिना समझे आप खरीद लेते हैं और उस टाइम उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में मेरे से भी ये गलती होती थी, बट इस गलती से जब शेयर भाग रहा होता है मैं बिल्कुल टच नहीं करता, जब रहा होता है तब मैं उसे टच भी करता हूं और उसे खरीद के भी अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, तो ऐसे ही शेयर को खरीदना पड़ता है। धीरे धीरे आप मार्केट में रेगुलर हो जाओगे तो आपको एक चाल पता चल जाएगी शेयर्स की, उन्हें जब आप डेली वाइज उन्हें देखेंगे कि ये शेयर कितना भाग रहा है कितना गिर रहा है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आप फिर धीरे धीरे आप उन शेयरों को एक अच्छे लेवल पर खरीद पाएंगे, और फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो आपकी मर्जी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर शेवलेट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि अच्छा खासा शेयर है, बट आज के दिन भागने का इसका सिंपल सा रीज़न, एक तो रिजल्ट तो है ही है, इसके अलावा एक न्यूज़। अगर न्यूज़ की बात करें तो जूट से रिलेटेड, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट जूट्स के प्रोडक्ट बनाता हुआ नजर आता है, तो जूट के प्रोडक्ट क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जूट की एक तरीके की अगर बात करें जैसे गांव में खाट होती है, या फिर अगर बात करें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि शुगर से रिलेटेड जितनी भी पैकेजिंग होगी उसमें 20% जूट का उपयोग करना होगा, एज वेल एज अगर बात करें गेहूं वगैरह के जो भी पैकेजिंग होगी, राइस से रिलेटेड जो पैकेजिंग होगी उसमें आपको जूट का प्रयोग करना है, तो इस वजह से यहाँ पर वो उसको दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए आज के दिन में जूट के जितने भी शेयर हैं जैसे शेवलेट कंपनी ये भागता हुआ नजर आया, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर ये कंपनी ग्लॉस्टर, ये कंपनी भागती हुई नजर आई बट बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बात करें यहाँ पर 7% ये शेयर भी भागता हुआ नजर आया, लूडलो जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड, तो ये शेयर को थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखिए, एज वेल एज श्री दिग्विजय सीमेंट। इस शेयर की बात करूं तो ये शेयर मैंने आपको लगभग 40 रुपीज के आसपास सजेस्ट किया था और आपको बताया था, डेट फ्री कंपनी है, वीडियो भी बनाया था, इसका लिंक मिल जाएगा तो आई बटन पे आपको दे दूंगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वरना आई बटन पे आज दे दूंगा, तो इसे देखिएगा तो आपको पता चलेगी कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है और लगभग 65% के रिटर्न उस टाइम से यहाँ पर ये कंपनी दे चुकी है। LTI की बात करूं तो ये आपको मैंने हर डिप में खरीदने के लिए कहा है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3500 रुपीज तक ये शेयर जाता हुआ दिखा है, बाकी इसका मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो लगभग 4485 रुपये के आसपास ये शेयर जा
आया है। तो इसे लीजिए 4300 रुपीज़ का एक महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है, या फिर अगले रिजल्ट से रिलेटेड जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में मतलब 3500 नीचे से ऊपर 4300-4400 रुपीज़ तक जाता हुआ बार बार नजर आ रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न इसका आपको बता देगा, ये गया फिर नीचे आया, फिर गया फिर नीचे आया, तो इस तरीके से ये खेल रहा है। बाकी बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन रिजल्ट है। LTTS इसको भी शेयर इसी तरीके से आज के दिन भी ये भागता हुआ नजर आया। 2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था कि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अंबर एंटरप्राइजेस सेम ईयर आज के दिन 2% भागा है, और इसे भी मैंने आपको बताया कि हर एक डिप पे लेना है। बाकी 3500 रुपीज़ तक ये जाता हुआ नजर आया था, 3600-3700, तो दोबारा भागता हुआ नजर आएगा 2-4 दिन में, इसके शायद रिजल्ट भी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए ऐसे शेयर की तरफ, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। अगर इसी तरीके के शेयर जो आप जो काफ़ी नीचे चल रहे हैं, अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए कि कौन से शेयर वैल्यू बाइंग है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। इससे रिलेटेड मैं आपको कल की डेट में या आज की डेट में जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उससे परचेज कर सकते हो, और बेहतरीन रिटर्न, ओके, शॉर्ट टर्म में भी 10-15% के रिटर्न आप कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड ही रिकमेंडेशन यहाँ पर हम देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन न्यूज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।